शादी नहीं हुई अभी तक, वो बच्चे हैं, तो प्लीज जल्दी से डीजे फ्लोर पे आना है सभी को, बच्चों के साथ बड़ों को भी आना है। Bye bye!
ओके मैम आप बताइए। सर वो तो बचा चुका है। ओके सर आप बताइए। सही बात है। हजार रुपए बोलो बोलो जो मम्मी ने बोला ठीक बोला। तो आप ही को ही थे। ओके सर आपको इसके अंदर हजार रुपए डालने हैं। बोलो मैं ऐसा करते हैं जो पब्लिक की डिमांड आई थी वो करते हैं। ठीक है सर आपको उसके अंदर 500 का नोट डालना है। बोलो मैंने खेला। तो आप सभी को ध्यान से दिख रहा है क्या है मेरे हाथ में? टिश्यू पेपर। ठीक है तो अब इसका जो बनने वाला है सभी को ध्यान से देखना है। कोई बात नहीं तो ये 300 है। चलो ठीक है फिर कुछ और ही बन कर आएगा। ओके ये मेरे पास एक टिश्यू है इसे कर देते हैं ऊपर से बंद। ओके सो प्लीज सभी को लाउडर मैजिक बट बोलना है। कैसे हो गई अपने भाई ने? ठीक है नहीं तो सर के पैसे जान सकते हैं क्योंकि सर ने कंफ्यूजन से डाले। ओके सो प्लीज एक बार बोलो मैजिक हो जाएगा मुझे पैसे चाहिए अपने। मैम आपका भी सर ऐसे नहीं करना है दबाकर। ओके प्लीज लाउडर मैजिक बट बोलो मैजिक नहीं मेरे साथ रिपीट करना है बोलो बैगी। दबा कर रखना है। खेले 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 छो मंत्र छो छो। सर कुछ फील हो रहा है भी वाइब्रेशन हैवी है पाँच के हजार मम्मी को कबूतर बना कबूतर पाँच सौ का कबूतर महंगा पड़ गया। इसे कहते हैं दुबई पोज। दुबई में ईगल बैठाते हैं मगर कबूतर बैठा तूने बच्चे की वीडियो देखी वो बच्चे कबूतर पकड़ के उसके मुंह से निकाल देता है। और बोलो अब हो बेबी कब टू दुबई मम्मी काट लेता है इधर इधर। हां इधर उड़ देगा ये फुंडी पकड़ के मार देगी। और तो समय आप समय एक बार और Oh,
We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. Thank you. Thank you so much, Auntie. Thank you.
इमोशनल हो गई. इट्स ओके. अब मैं कालू की मम्मी पापा को बुलाना चाहूंगी कि वो नए नए पेरेंट्स बने थे, कैसा लगा था. कालू एक साल की हो गई है, तो आप दोनों प्लीज एक बार स्टेज पे आके शो पे अपने दिल की बात एक बार आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. थैंक यू मुझे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. इसके बारे में आपको ब्रीफ में सुनिए बताइए. मैं आपको सुनी तालिया नहीं बोल देगा उसे कैसे लग रहा है. पहले तो थैंक यू पूजा स्टेज पर बुलाने के लिए. और एक वर्ड पहले डिस्क्राइब करूँ तो बहुत ज़्यादा मैजिकल लग रहा है. मतलब पेरेंट्स बनने के बाद ही पता चलता है कि कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको रेज किया हुआ है. और हर छोटे छोटे मोमेंट, हर छोटी छोटी चीज़ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं घर पे, और जो कि हम लोग कैप्चर करते हैं. जैसे मम्मी ने बोला माइक पीछे रख के बोला, तो आगे जाके भी हमें बहुत ज़्यादा याद दिलाएंगी हर इस पल को. और मैं ये कहना चाहूंगी, अब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैं वो खुशी अपने पेरेंट्स पे, अभी के पेरेंट्स के फेस पे देख सकती हूँ. जैसे ये अपनी नानी के घर जाती है या फिर ये मम्मी के भी घर जाती है, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं इसे देख के, इसकी छोटी छोटी हरकतें देख के. तो मैं यही बोलूंगी कि गौरव वाले एक ब्लेसिंग है और हम इसका एक एक मोमेंट जीना चाहते हैं. आपको बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में ज्यादा चेंज आया नहीं है. मैं पेरेंट्स को जरूर बनाऊँ पर सारा देख रेख सब नहीं करती है. मैं तो सुबह चले जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ. तो जितना भी ये सब लोग देखते हैं इसको, थैंक्स फॉर मम्मी और थैंक्स फॉर सिमी. सारी परवरिश यही लोग कर रहे हैं. मैं तो बस पैसों से किसी भी चीज़ से कोई सामान ला के देना है, घर पे कुछ लाना है, मैं वो चीज़ ला सकता हूँ. पर मैं सबसे ज़्यादा बस मैं बिता पाता हूँ अपनी भैया के साथ, जो मुझे बिताना चाहिए. और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ बस बिताऊँगा. बहुत बढ़िया. थैंक यू. ज्यादा अच्छी इमोशनल स्पीच हो गई थी हमारी. आप सब लोग प्लीज एक बार जोरदार तालियां.